हेलो गाइज। तो अभी आध्या का जैसा कि आज बर्थडे है, तो आज बर्थडे हम लोग ने हमेशा तो घर में मनाते हैं, लेकिन आज हम लोग ने सोचा कि क्यों ना कुछ यूनिक बर्थडे मनाया जाए। तो अभी ये देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, और तैयार होने के बाद हमने सोचा कि आज कुछ यूनिक किया जाए, और जिसके कारण हम लोग ने इंडिया गेट जाने का प्लान किया। और इंडिया गेट जाने के जाकर वहाँ पर कुछ बर्थडे वगैरह का कुछ केक वगैरह कटिंग करेंगे। तो अभी हम लोग देखिए रास्ते में निकल चुके हैं और इंडिया गेट की तरफ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे घर से मुश्किल से 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में हैं और इंडिया गेट की तरफ आगे जा रहे हैं। और ये देखिए बर्थडे घर तैयार व्यार होकर बीच में मस्ती कर रही है गाड़ी में, और ये काफ़ी हमेशा पूछते रहती है मेरा बर्थडे कब आएगा, बर्थडे कब आएगा। तो फाइनली आज इसका बर्थडे आ चुका है और ये काफ़ी आज खुश है। और ये देखिए अंडर पास बना है, जो कि पहले काफ़ी घूमकर इंडिया गेट जाया जाता था, लेकिन अभी अंदर अंदर काफ़ी शॉर्ट रास्ता हो जाता है, जो कि हम लोग इंडिया गेट पहले जाने में काफ़ी घूम घुमा और ट्रैफिक वगैरह का मिलता था। और फिलहाल अभी से अंडर पास से हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये देखिए अंडर पास भी कितना सुंदर बनाया गया है, तो आप दोनों साइड इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलाकृति बनाया गया है, कलरफुल बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया गया है अंडर पास के अंदर। तो इस अंडर पास से काफ़ी ट्रैफिक वगैरह से हमें छुटकारा मिल गया और हम लोग जल्दी इंडिया गेट पहुँच जाते हैं। और अंदर ये देखिए कितना बढ़िया पेंटिंग वगैरह किया हुआ है। तो अब फिलहाल ये देखिए हम लोग इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, और इंडिया गेट के चारों तरफ सर्किल है, तो सर्किल के अंदर हम लोग हैं। और अभी फिलहाल सैटरडे संडे है, तो सैटरडे के कारण यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा ज़्यादा इशू हो जाता है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे तक हम लोग आने में 25 से 26 मिनट लगा है, बट अब देखते हैं कि पार्किंग, ये देखिए सामने इंडिया गेट दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर इंडिया गेट के चारों तरफ जो सर्किल उसके अंदर अभी हम लोग हैं और पार्किंग का इंतज़ार कर रहे हैं। पार्किंग का इंतज़ार नहीं, पार्किंग हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर पार्किंग मिलता है, तो पार्किंग लगा कर उसके बाद फिर हम लोग इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अभी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम लोग को पार्किंग मिला। पार्किंग 25 से 30 मिनट के करीब हम लोग आने में लग गया था, और 25 से 30 मिनट हमें गाड़ी पार्क करने में लग गया, तो जितना हमें आने में टाइम नहीं लगा उससे ज़्यादा हम लोग पार्किंग ढूंढने में टाइम लग गया। और ये देखिए इंडिया गेट के पास कितना साफ सुथरा, कितनी लाइटिंग वगैरह वगैरह कर दिया गया है, जिससे कि काफ़ी शानदार लग रहा है। पहले के टाइम में था कि इंडिया गेट बिल्कुल सिंपल सा था, ऐसे एक बीच में मैं खाली जगह था और बीच में इंडिया गेट था, लेकिन अभी के टाइम में काफ़ी चेंजेज आ गया है, काफ़ी सुंदर बन गया है। यहाँ पे देखिए पानी वगैरह में भी काफ़ी ब्लू लाइट्स वगैरह लाइटिंग वगैरह काफ़ी किया गया है, जिससे कि काफ़ी बढ़िया लग गया है। और ये देखिए हम लोग इंडिया गेट के पास आ चुके हैं, और फिलहाल अभी हम लोग जगह देखेंगे। और ये देखिए हमारे अरुण जी हैं, जो कि अपना वीडियो शूटिंग करने में लगे हुए हैं, और हर कोई यहाँ पे देखिए बैठा हुआ है, और कितनी भीड़ है। और यहाँ पे हम लोग ने फिलहाल जगह देख लिया है, लेकिन लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है, इसलिए अंधेरा आ रहा है। और यहाँ पे भी केक कटिंग वगैरह होगा, देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ 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 भीड़। और ये देखिए जगह ढूंढकर हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, बीच में बर्थडे कर बैठ गई है, और फिलहाल अभी केक वगैरह निकाला जाएगा और केक काटने की तैयारी स्टार्ट किया जाएगा। जिसका इंतजार था वो यहाँ सामने आ चुका है, देखिए केक वगैरह बीच टेबल पे लगा दिया गया है, और बीच में कैंडल वगैरह लगा दिया गया है। और अभी फिलहाल सारे कुछ तैयारी होने के बाद केक कटिंग स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखिए आद्या को सारे लोग अब टीके वगैरह लगाना शुरू कर दिया है, जो कि एक आशीर्वाद के रूप में होता है। और यहाँ केक कटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, और सारे लोग टीका वगैरह लगाएंगे, उसके बाद केक का कटिंग होगा। और यहाँ पे देखिए कैंडल वगैरह जलना स्टार्ट हो चुका है, और आद्या को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब केक काटने को उसको मिले, क्योंकि हर
साल में कितने बार वो पूछ चुकी है कि मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। तो फिलहाल आज उसका बर्थडे आ चुका है और वो केक काटने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए आद्य चाकू वगैरह लेकर और केक काटने के स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए कैंडल वगैरह बुझाना शुरू कर दी है और केक काट भी कटने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए केक काट ली है और काटने के बाद सबसे पहले ये देखिए केक खाना स्टार्ट कर चुकी है जो उसकी मम्मी उसे डांट रही है। पढ़ाई नहीं करती है, यहाँ पढ़ाई नहीं करना है, केक काटना है। चलो चलो खिलाओ। और यहाँ पे देखिए उसके दोस्त जो है, दोस्त भी उसे केक खिला रहा है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो इस टाइप्स का पहली बार हम लोग ने बर्थडे मनाया है। घर में तो हर कोई मनाता है लेकिन एक खुले जगह और वो भी इंडिया गेट के पास पहली बार हम लोग ने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो आद्या के बर्थडे में हम लोग ने इंडिया गेट आए हैं और यहाँ पे अपने भाई को भी केक खिला रही है। अरे पीछे से क्यों भाई खिंचवा रहे हो, आगे जाओ ना। हो और यहाँ पे आद्या के सारे दोस्त एक एक करके आद्या को केक खिला रहे हैं और आद्या भी सबको केक लगा रही है और केक लगा भी रही है साथ में खाते भी जा रही है। तो बिल्कुल काफी लुत्फ उठा रही है अपने बर्थडे का। अरे ये छोटा बच्चा खिला दिया। और ये देखिए फिलहाल हम आ चुके हैं और हमें भी वो केक खिला रही है, हम भी उसे ये देखिए बर्थडे का केक खिला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। वीडियो बनवाओ मोबाइल उधर, मोबाइल लाओ मोबाइल। और यहाँ पे देखिए केक कटिंग वगैरह हो गया है और होने के बाद सारे लोग केक वगैरह खा रहे हैं और सारे लोग यहाँ पे केक खाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाएंगे। ये देखिए इनको उठा नहीं जा रहा है, एक्चुअली इनको उठाने का कोशिश किया जा रहा है। और ये देखिए फिलहाल अभी एक हमसे नहीं उठे तो फिलहाल एक और उनका सपोर्ट करने मेरे पहुंच चुके हैं और दोनों मिलकर ये देखिए इनको उठाए फिलहाल। और अभी ये देखिए हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इंडिया गेट से आने के बाद घर के पास में ही राजनगर एक जगह है तो वहाँ पर हम लोग ने रेस्टोरेंट आ चुके हैं और यहाँ पर खाना वगैरह खाएँगे और खाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और ये देखिए हैप्पी बर्थडे का, यहाँ पे किसी और का बर्थडे भी था तो उसका ये देखिए डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर। Thank you.
और अभी रात के 1:30 बज चुका है। एक्चुअली हम लोग इंडिया गेट से आने के बाद यहाँ खाना वगैरह खाते खाते रात का 1:30 बज चुका है। और ये देखिए दोनों गाड़ी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। और फिलहाल अभी खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग ने कुछ अलग टाइप्स का बर्थडे मनाया था। तो फिलहाल अभी हम लोग घर निकलेंगे। ये देखिए इसकी शैतानी, और यहाँ पे बर्थडे घर भी काफ़ी खुश है, ताकि इसका बर्थडे काफ़ी अच्छा से मनाया गया। थैंक यू वेरी मच, बाय।